अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने पिछले लेक्चर में मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। केमिस्ट्री के मॉडल पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन भी दे चुकी हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल पेपर का, या मॉडल पेपर में देख सकते हैं, डिज़ाइन प्राइमरी एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ Zn+2 कैटायन। ठीक है, आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और समझाऊँगी ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें तमाम सब्जेक्ट से मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल सके और हर एक क्वेश्चन का उन्हें सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाने जा रही हूँ। मॉडल पेपर का, केमिस्ट्री का 2023 का मॉडल पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डिज़ाइन प्राइमरी एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर Zn+2 कैटायन। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्राइमरी और कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्या? क्वालिटेटिव एनालिसिस, दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जिसमें हमें नापना नहीं होता कोई चीज़ कितनी है, हमें ये देखना होता है कि वो चीज़ है क्या। आपके जैसे सपोज आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आपको उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस इस तरह से करनी होगी। आपको उसमें पता करना होगा उसमें कौन सा आयन है, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कौन सा आयन है। तो ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता चलेगा कि वो है क्या। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी टेस्ट फॉर Zn+2। हमें दो तरह के टेस्ट करने हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें किसकी करनी है, हमें पता है कि किसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, Zn+2 कैटायन की, और उसका प्राइमरी टेस्ट और कन्फर्मेटिव टेस्ट करना है, डिज़ाइन करना है। तो प्राइमरी टेस्ट फॉर Zn+2 आयंस, प्राइमरी टेस्ट वो टेस्ट होता है जो हम स्टार्ट में करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हो सकता है कि ये Zn+2 आयंस प्रेजेंट हो, लेकिन Zn+2 आयंस की हमें कन्फर्मेशन, इस कैटायन की कन्फर्मेशन हमें प्राइमरी टेस्ट से नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक आप सबकी समझ में आ गया। अच्छा, प्राइमरी टेस्ट का तरीका क्या है? प्राइमरी टेस्ट में सबसे पहले हम ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट, तीन कॉलम, जब भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो हम तीन कॉलम्स बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करना है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हो सकता है सोडियम Zn+2 आयन प्रेजेंट हो। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। अगर आपके वाइट प्रेसिपिटेट आ गए, ठीक है, PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट, अगर आपके वाइट प्रेसिपिटेट आ गए तो Zn+2 आयंस में भी प्रेजेंट, Zn+2 आयंस प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर मे भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दूसरे भी कैटायंस जो हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, लेकिन अब कन्फर्मेशन कैसे होगी, तो उसके लिए हम कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं कि वाकई में ये Zn+2 आयंस के ही वाइट प्रेसिपिटेट हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वो जो वाइट प्रेसिपिटेट आए हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है Zn+2 आयंस प्रेजेंट हो, मे बी प्रेजेंट, उसकी कन्फर्मेशन के लिए हम कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर Zn+2, ठीक है, इसके लिए भी हम तीन कॉलम्स बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट का। एक्सपेरिमेंट वाले कॉलम में हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट क्या करना है, वाइट प्रेसिपिटेट लेने हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन में, हमारे जो वाइट प्रेसिपिटेट अभी आए थे प्राइमरी टेस्ट से, उस उन वाइट प्रेसिपिटेट्स में एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा क्वान्टिटी में। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे अगर वाइट प्रेसिपिटेट इज़ डिजॉल्व एंड क्लियर सोल्यूशन इज फॉर्म। वाइट प्रेसिपिटेट अगर डिजॉल्व हो जाए और क्लियर सोल्यूशन बन जाए तो हमारे पास क्या होगा, Zn+2 आयन इज प्रेजेंट। तो हमें इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ Zn+2 आयन प्रेजेंट हैं।